आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भिंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बदन सिंह बघेल पहुंचे सारदा कोचिंग, जहां पर महिलाओं का किया सम्मान। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बदन सिंह बघेल एवं मध्य प्रदेश विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल की अगुवाई में सारदा कोचिंग पर महिलाओं को किया सम्मानित। इस मौके पर मंजू यादव, राजकुमारी कुशवाहा, सीमा बघेल, ममता पाल, ललिता एवं शालिनी बघेल को पुष्प गुच्छ एवं मिष्ठान वितरण कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने आपकी जन अदालत न्यूज पर दिया बड़ा बयान। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर क्या कहा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बदन सिंह बघेल ने। बड़ा सौभाग्य है सदगुरु कोचिंग सेंटर पर विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानीय सौरभ बघेल जी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। ये हमें बड़ा सौभाग्य मिला, इतनी मातृशक्ति को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से समूचे भिंड जिले के शिक्षक साथियों की ओर से महिला दिवस पर सभी बहनों को मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति वो दीपक है जो दहली पर रखे हुए बाहर भी उजाला करती है और अंदर भी उजाला करती है। बहनों के द्वारा वो समाज को जोड़ने का एक कार्यक्रम है कि दो परिवार को बहनें जोड़ती हैं। जिस प्रकार से दीपक दोनों तरफ उजाला करता है अंदर और बाहर, उसी प्रकार से हमारी बहन बेटी समाज को दो परिवारों को जोड़ने का काम करती है। इतना ही नहीं, हम आगे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में माँ की कितनी बड़ी भूमिका है। जो 10 शिक्षक काम नहीं कर सकते हैं, वो एक अकेला आचार्य काम कर सकता है बच्चे के जीवन के लिए। जो 100 आचार काम नहीं कर सकते हैं, वो एक अकेला पिता काम कर सकता है। जो 1000 पिता काम नहीं कर सकते हैं बच्चे के जीवन में, वो अकेली माँ काम कर सकती है। इसलिए सभी माताओं को, ये विश्व की समस्त माताओं के चरणों में नमन करता हूँ, कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर माता शक्ति से मिलकर के हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखद और अच्छा महसूस करते हैं। हम अपनी ओर से शिक्षक समस्त भिंड जिले के शिक्षक साथियों की ओर से नमन करता हूँ। आपका शुभ परिचय। जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ भिंड बदन सिंह। हम बताएं, आप आज इस कोचिंग पर आपका क्या कार्यक्रम था? आज मेरा बड़ा सौभाग्य है सदगुरु कोचिंग सेंटर पर विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्माननीय सौरभ बघेल जी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। ये हमें बड़ा सौभाग्य मिला, इतनी मातृशक्ति को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से समूचे भिंड जिले के शिक्षक साथियों की ओर से महिला दिवस पर सभी बहनों को मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति वो दीपक है जो दहली पर रखे हुए बाहर भी उजाला करती है और अंदर भी उजाला करती है। बहनों के द्वारा वो समाज को जोड़ने का एक कार्यक्रम है कि दो परिवार को बहनें जोड़ती हैं। जिस प्रकार से दीपक दोनों तरफ उजाला करता है अंदर और बाहर, उसी प्रकार से हमारी बहन बेटी समाज को दो परिवारों को जोड़ने का काम करती है। इतना ही नहीं, हम आगे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में माँ की कितनी बड़ी भूमिका है। जो 10 शिक्षक काम नहीं कर सकते हैं, वो एक अकेला आचार्य काम कर सकता है बच्चे के जीवन के लिए। जो 100 आचार काम नहीं कर सकते हैं, वो एक अकेला पिता काम कर सकता है। जो 1000 पिता काम नहीं कर सकते हैं बच्चे के जीवन में, वो अकेली माँ काम कर सकती है। इसलिए सभी माताओं को, ये विश्व की समस्त माताओं के चरणों में नमन करता हूँ, कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर माता शक्ति से मिलकर के हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखद और अच्छा महसूस करते हैं। हम अपनी ओर से शिक्षक समस्त भिंड जिले के शिक्षक साथियों की ओर से नमन करता हूँ। आपका शुभ परिचय। जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ भिंड बदन सिंह। आज ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।